धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल के बेटे अभय देओल को तो आप जानते ही होंगे। देवडी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, रांझना जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया, लेकिन बॉलीवुड में वह एक्टर के तौर पर स्थापित होते होते रह गए। लेकिन उनके फ्लॉप होने का मुख्य कारण क्या था, क्यों फिल्म इंडस्ट्री में उनका जादू नहीं चल पाया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश, और आज की वीडियो में मैं आपको अभय देओल की उन 8 फिल्मों से अवगत कराऊंगा जिनके डूबते ही अभय देओल का पूरा करियर ही डूब गया। अभय देओल ने साल 2005 में बॉलीवुड डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म थी सोचा ना था, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में काम किया और यह फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 1:40 की लास्ट लोकल में काम किया जो कि साल 2007 में आई, और रिलीज के साथ ही अभय देओल की यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। वहीं इसके बाद अभय देओल ने नवदीप सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म मनोरमा 6 फीट अंडर में भी काम किया था जो साल 2007 में रिलीज हुई, और अभय देओल की यह उसी साल की दूसरी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। वहीं साल 2009 में उनकी फिल्म रोड आई जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई। इसके बाद अभय देओल ने देविका भगत सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 1/2 में काम किया। यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इसके बाद अभय देओल ने साल 2018 में नानू की जानू में काम किया और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। शाहरुख खान और अभय देओल स्टारर 200 करोड़ फिल्म जीरो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। लोगों ने उसे सिरे से नकार दिया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद अभय देओल देवेन मुंजाल द्वारा निर्देशित फिल्म वेले में नजर आए थे, लेकिन यह फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। एक के बाद एक फ्लॉप ने अभय देओल के करियर को चौपट कर दिया। उनकी एक्टिंग अच्छी रही, लेकिन लोगों के दिलों में वह अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। अभय अपने कजन सनी देओल और बॉबी देओल की तरह कभी सफल एक्टर बनकर नहीं उभर पाए।